हवलदार पकड़ लो इसको। सलाम साहब। सलाम साहब। अबे और ढूंढू, तू अभी तक हवलदार का हवलदारी है? लगता है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, अभी तक इंस्पेक्टर नहीं बना। आजकल इंस्पेक्टर कौन है? मेरा नाम रंजीत खन्ना है, मगर सेवक राम जी आप नहीं जानते, ये आदमी गुनाह करने के बाद भी हवालात जाना नहीं चाहता। क्यों जाऊं, क्यों जाऊं? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं इंस्पेक्टर। हाँ, लगता है आप इस पुलिस स्टेशन में नए नए आए हैं, वरना किरण वर्मा का नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं। मुझे सेवक राम जी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट, एक मिनट इंस्पेक्टर, तुम इंस्पेक्टर से डीसीपी नहीं बनना चाहते? जी जरूर चाहता हूँ। तो फिर मुझ जैसे नेताओं की बातें माना करो ना। हाँ, इसकी माँ इस स्टेट की मिनिस्टर बनने वाली है और मैं फाइनेंस मिनिस्टर। मगर इसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो आप जानते हैं? ओहो, कंप्लेंट लिखी जाती है तो फाड़ी भी तो जा सकती है इंस्पेक्टर। मेरी बात मानो, जो कंप्लेंट तुमने इसके बारे में लिखी है उसे फाड़ डालो से। हाँ, और इलेक्शन के बाद इस इलाके डीसीपी बनने की तैयारी करो, समझे? चलो 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 चलो। मगर अरे तुम मुझे बाद में फोन कर लेना। नाम क्या तुम्हारा? खन्ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन वक्राम सच कह रहे हैं बेटा, जानते हो तुम्हारी इन छोटी छोटी गलतियों को एक बड़ा इश्यू बनाकर ऑपोजिट पार्टी वाले हमें हरा भी सकते हैं। अरे भाई, एक बार ये इलेक्शन जीत जाएं और दुर्गा देवी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन जाए तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? जो जी में आए करना। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस लड़के का क्या करूं। ओहो, सीधी सी बात है, जब बछड़ा बेकाबू हो जाता। मगर सेवक राम, बड़े के होते हुए अगर छोटे की शादी करवाई तो ये सौतेली माँ और भी बदनाम हो जाएगी। बड़ा तो प्यार के चक्कर में फंसा है और वो भी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली टाइपिस्ट के साथ। ये हुई ना बात, बस जीत गए हम इलेक्शन, बन गई तुम चीफ मिनिस्टर। अरे दुर्गा भाई, इस इलेक्शन में जीतने का इससे बड़ा इशू और कोई नहीं हो सकता कि दुर्गा भाई खानदान की बहू एक मामूली टाइपिस्ट। याद है हमारी पार्टी का भी यही नारा है, इस देश से गरीबी मिटाने का एक ही तरीका है, गरीबों को गले लगाओ। मगर सेवक राम, वो अगर मगर कुछ मत करना दुर्गा भाई, वो भोली बाली गरीब टाइपिस्ट की शादी अपने सौतेले बेटे रवि से करवा दो और इतना हंगामा कर दो कि शहर के हर अखबार में बस यही हेडलाइन हो। तुम समझ लो कि हमारी इलेक्शन का यही मोहरा है। चाल चलो तो ऐसी कि किसी को पता भी नहीं चले। इसीलिए दुर्गा भाई, इसी को कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम, आप क्या है बाहर आ गई पार्टी में? नमस्ते जी। चलिए चलिए, यू केम इन टू माई हाउस, दैट इज गॉड्स नेचर, समटाइम्स आई लुक एट यू, समटाइम्स आई फर्नीचर। लक्ष्मी जी, ये दुर्गा देवी है और ये मेरी धर्म पत्नी राधा। नमस्ते जी। दुर्गा जी, ये लक्ष्मी बहन है और ये इनकी बेटी संध्या और ये उषा। आई आई, सास भी कभी बहू थी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ। रवि बेटे। माँ, उषा और उसकी माँ यहाँ कैसे? इन लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। आपने? हाँ। कि उस दिन तो आपने कहा था कि वो दिन तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का दिन था और आज का दिन उस इम्तिहान के नतीजे का। नतीजा? सेवक राम जी, भाइयों और बहनों, आप सब लोग पूछ रहे थे ना कि आप सब लोगों को आज यहाँ किस लिए बुलाया गया है, तो दिल थाम कर सुनिए। दुर्गा देवी जो सचमुच दया की एक देवी है और जो भी वो बोलती है वो करके बताती है, अपने देश से गरीबी हटाने के लिए दुर्गा देवी जी ने एक नारा लगाया था कि अगर हर गरीब की बेटी को अमीर अपने घर की बहू बनाएगा तो इस देश से गरीबी हट सकती है। और आज उस बात को साबित करने के लिए दुर्गा देवी जी खुद अपने ही घर से बात की शुरुआत कर रही हैं। क्या मतलब? मतलब आज आप सबके सामने दुर्गा देवी जी अपने बड़े लड़के रवि की सगाई उसी के ऑफिस की एक टाइपिस्ट मिस उषा के साथ करके उसे अपने घर की बहू बनाकर उसे अपने गले लगाएं। मंगलराम अंगूठिया ले आओ।
संध्या, मैं तुम्हारी दीदी की ऑफिस से बोल रहा हूँ। तुम्हारी दीदी बाथरूम में फिसलकर गिर गई है। क्या? हाँ, उन्हें गहरी चोट लगी है, लगता है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम फौरन आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। गोविंद भाई, उषा दीदी गिर के बेहोश हो गई है। हा? मैं उनके ऑफिस आती हूँ, मैं आपको वहाँ से फोन करूंगी। आप प्लीज मेरी माँ को बुलवा दीजिएगा। जा बेटा, जल्दी जा। दीदी कहाँ है? दीदी उन्हें अंदर कैबिन में सुलाया, मैं अभी एम्बुलेंस लेके आता हूँ, आप अंदर चलिए। ठीक है। याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम किरण वर्मा है, और किरण वर्मा को जब कोई चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो।
काश कि मैं तेरे खानदान की होने वाली बहू ना होती तो तेरा ऐसा अंजाम करती कि तू जीते जी मर जाता। ये थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। शराब ही पीते जाओगे? गम का बोझ उतारने का सिर्फ यही एक तरीका है मेरे पास चंदा। मेरे होते हुए दुनिया का कोई भी गम तुम्हें छू नहीं सकता। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया किरण? दुर्गा देवी, अरे ओ दुर्गा देवी कहाँ हो? अरे मुबारक हो दुर्गा देवी, मुबारक हो। चमक गई हमारी पार्टी की किस्मत, खुल गए हमारी तकदीर के दरवाजे, मिल गई हमें हमारी मंजिल। सेवकराम क्या कह रहे हो तुम? अरे ये देखो दुर्गा देवी, ये देखो, ये भी देखो। आज के हर अखबार की हेडलाइंस के साथ ये न्यूज है कि दुर्गा देवी जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। एक गरीब लड़की को अपने बड़े घर की बहू बनाकर यूं समझ लो कि शहर के सारे गरीबों का विश्वास जीतकर इलेक्शन को जीत ही लिया। मतलब उषा नाम का गरीबी का कीड़ा जो हमारे लिए शहतूत के दरख्त पर रेंगने वाले रेशम के कीड़े की तरह काम में आएगा। वो कीड़ा अपने मालिक को रेशम देता है और ये कीड़ा जनता के हाथों हमें वोट दिलवाएगा। बेचारी उषा समझती होगी कि हमने उस पर और उसके गरीबी पर तरस खाया है, और उधर रवि समझता होगा कि हमने उसके प्यार को अपनाया है। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम कि हमने उनकी शादी को अपने इलेक्शन के पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया है, और ये शादी हमारी जीत का एक मोहरा है। मोहरा हाय, इसे कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। माँ ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है कि आंखों में आंसू आ गए। शादी से पहले तुम्हें मां से कितना डर लगता था, आज देख लिया ना मां का असली रूप। सच उषा, मैंने उस मां की कोख से जन्म नहीं लिया, मगर उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका अपना खून नहीं हूं। बस जबान की जरा तीखी है मगर दिल एकदम शीशे की तरह साफ है। सच रवि, बिल्कुल सच। मां का प्यार तो तुमने देख ही लिया, अब अपने पति का प्यार भी देखना। मैं अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को इतना प्यार दूंगा कि दुनिया के किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा। आईब्रो ब्रश कौन सा? ओफो, इतने साल हो गए आईब्रो ब्रश समझ में नहीं आता। लिपस्टिक ब्रश हो? शिट, मेरी साड़ी नीचे कर दो ना। इतनी नीचे तो है, पता नहीं फिर भी ज्यादा नीचे करवा के किसको कमरिया दिखाने जा रही है। शाम कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। साड़ी ऊपर करने में, मेरा मतलब है साड़ी नीचे करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अरे अरे क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? मैंने कमर से नहीं पांव से नीचे करने को कहा है। मैंने सोचा कमर से नीचे करने को कहा, अच्छा नीचे से करता हूँ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं समझोगे, ठीक करो ना साड़ी। राधा
आज तुमको देखकर मेरे को ना एक कविता बोलने का दिल कर रहा है, बोलू? नो, चुप करो, साड़ी ठीक करो, साड़ी। आओ, आओ, ये क्या कर रहे हो? ए, ए, शाम, छोड़ो। हे भगवान, मेरी तकदीर में लिखने के लिए कोई और नहीं मिला जो इस पागल कवि को लिख दिया। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। राधा, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे एक और कविता याद आ रही है, बोलू? शट अप, मुझे कोई कविता नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। न जाने इस पागल के साथ मैंने इतने साल कैसे निकाले। तुम मेरे सामने हो, तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है। अरे बस करो तुम्हारी ये सड़ी हुई कविता। सुनो, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मेरे सारे कपड़े इस्त्री करके रखना। और हाँ, वो जो ब्यूटी पार्लर है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ जाके मेरी वो ब्राउन कलर की विग लेके आना। ओके, ब्राउन वाली विग भी आ जाएगी, याद से लाना, वरना ये में लगे रहोगे। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, अरे आज तेरे दोस्त, क्या हाल है मेरे भाई, कितने सालों बाद मिला तू। मेरा मामला तो बिल्कुल फिट है यार, ये हाथ में सूखी ब्रेड, ये लेडीज वीग, तू कहीं किसी नाटक कंपनी में भर्ती तो नहीं हो गया क्या है? जाने दे यार, इस मामले फिर कभी बात करेंगे, ले ब्रेड खा। फिर कभी क्यों, इतने सालों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे, मेरा बंगला बाजू में ही है, चल चल। नहीं 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 नहीं, और दरवाजा खोल, बैठ जा, ठंडे में बैठ मेरी जान, श्यामो बैठ। बस ये समझ ले कि तेरा ये दोस्त उस घर का गुलाम बनकर रह गया। खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। तू यहाँ क्या कर रही है, क्या कर रही है अंदर, रसोई में कुछ काम नहीं है क्या? हैं? चलो, हेलो जी, जी स्वामीनाथ। क्या बोली भाभी? स्वामीनाथ, देखा, मैंने भी तेरी तरह पैसे वाली बीवी ढूंढी थी, लेकिन सुहाग रात के दिन ही मैंने बिल्ली मार ली, तब से मेरे उंगलियों के इशारों पर नाच रही है, और पूरा चोर बाजार, चोर बाजार, चोर बाजार बोला, शेर बाजार, इस हर्षद टोपी के इशारे पर। हर्षद टोपी, तू समझेगा नहीं यार, मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगा कि तेरी बीवी भी तेरे उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। अरे मैं शेर बाजार का दलाल हूं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा धंधा है। इधर, हर काम उल्टा करता। ये क्या बोल रहा है? अरे फट जाएगी। दुर्गा भाई, इलेक्शन से पहले ये वादे, ये नारे कितने अच्छे और मीठे लगते हैं, इलेक्शन जीत जाने के बाद यही बातें और यही नारे कितने गंदे और कड़वे लगते हैं। सेवक राम, तुमने कश्ती बनकर कामयाबी के साहिल तक तो हमें पहुंचा दिया, मगर साहिल पर उतरना भी बाकी है। अरे दुर्गा भाई, साहिल पर उतरना क्या, अब तो आपका सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना ही बाकी है बस। हाँ, मगर उसके लिए हमें पूरे 50 अपक्ष एमएलए को पकड़ना पड़ेगा, जिससे हमें सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी मिल जाए। सेवा, सेवक राम, अरे दुर्गा भाई, वो 50 एमएलए तो चने कुरमरे की तरह मेरी जेब में पड़े हुए हैं। उन सब की दस्तखत वाली लिस्ट एमएलए सावंत के घर पे तैयार हो चुकी होगी, मैं बस यहाँ से गया और वो लिस्ट लेकर वापस आया। सच? बचपन से सिर्फ एक ही तमन्ना है कि सारे देश का धन मैं संभालूं। लेकिन शुरुआत तो इस स्टेट के धन संभालने से ही करनी पड़ेगी ना। मतलब?
मतलब तो साफ ही है दुर्गा भाई। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पर मुझे ही बिठाना होगा। ये क्या? तुम्हारी सेवाओं का फल। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहला भी खजाने की नहीं, नई एम्बेसडर कार की चाबी हमारी तरफ से तुम्हें प्रेजेंट। नायक तुम यही बैठे हो, मैं सावंत के घर से लिस्ट लेकर आता हूँ। What? हाँ डॉक्टर शाह ने अभी अभी मुझे एक खुशखबरी सुनाई है। लेकिन ये खुशखबरी सारे घर को मैं सुनाऊंगा। ओके सर, कोई खुशखबरी हो तो हमें भी सुना दीजिए। मिस्टर साठे, सारे स्टाफ में मिठाई बांट दीजिए जी, मैं बाप बनने वाला। ओह मिसेस खटाओ, अरे हम तो आप लोगों के सेवक हैं। अरे आप लोगों की दया से सब कुछ हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी। ओके मुबारक हो माँ। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू वेरी मच। दुनिया वालों ने तो हमें बहुत मुबारकबाद दी है, लेकिन हमें कोई खुशी नहीं मिली है जो अपनों की जबान से सुनकर मिली है। क्योंकि दुनिया वालों की मुबारकबादी में तो उनका स्वार्थ छुपा है, लेकिन तुम्हारी मुबारकबादी में कोई स्वार्थ नहीं है। इस इलेक्शन के जीत पर हम मुबारकबादी लेते लेते थक गए हैं। टेलीफोन्स पे टेलीफोन, मैसेजेस पे मैसेजेस, टेलीग्राम्स पे टेलीग्राम्स। लेकिन माँ मैं तो तुम्हें दूसरी बहुत बड़ी खुशी की मुबारकबाद देने आया हूँ। दूसरी खुशी? ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी मुबारकबादी हमारे चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी से बढ़कर है? तुम दादी बनने वाली हो माँ, और उषा उषा माँ बनने वाली है। इसमें कौन सी नई बात है, औरत तो पैदा ही होती है माँ बनने के लिए। और फिर दुनिया की हर आम औरत माँ और दादी तो बन सकती है, लेकिन दुनिया की हर औरत मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। जानते हो राजनीति में हमें क्या पदवी मिली है? चीफ मिनिस्टर की। हम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। हेलो, ओ लाला जी, शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा मिस्टर डिसूजा वहां बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई दीजिए। होता है क्या? जब नाइट का ही कोई ठिकाना नहीं तो फिर गुड नाइट कहने का क्या मतलब राधा जी? क्योंकि तकदीर में अपनी लिखा है बालकनी में सोना, अब तो यही है अपना जिंदगी भर का रोना। हेलो हेलो, शाम है? शाम? तुम कौन हो? मैं उसके कॉलेज की दोस्त हूँ, जानू। जानू? उसकी कॉलेज की दोस्त? लेकिन आज सजन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए, मसाले वाला दूध लाया हूँ धर्म पत्नी जी। लगता है वो इसे रोज फोन करती होगी, फोन के नाम पे देखा कितना खुश है। लगता है इसकी नानी मर गई है, क्या मुंह लटक गया है फोन पर लड़की की आवाज सुनकर। तुम्हारा फोन है? मेरा फोन? मुझको कौन फोन करेगा, हर्षद का होगा। ऐसा करो तुम फोन रख दो, तुम डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर से फोन उठा लूंगा। गुड नाइट मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है। बाहर से फोन उठाने का मतलब है ताल में जरूर कुछ काला है। लगता है ये पागल कवि उसके पीछे पागल हो गया है, लेकिन मैं भी फोन नहीं रखूंगी। हेलो कौन? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? पहचाना? मैं तुम्हारी जानू। जानू? मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, सुनाओ।
चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ मैं तो फूल भी तेरे लिए। कैसी हो मेरी जानू? हाँ तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ। तुम दिन में मिलते हो तो कितना मजा आता है, मगर एक कम वक्त रात नहीं कटती ना। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रात भी गुजारें। उस दिन में कितना मजा आया था ना। डार्लिंग रात में मिलो ना। मैं भी यही चाहता हूँ पारो कि हम जिंदगी भर साथ रहें, मगर मेरी बीवी मेरा साथ छोड़े तब ना। बीवी साली कुत्ती कमीनी। कमीनी कुत्ती अब रातें भी गुजारना चाहती है। छी मत कहो चुड़ैल का नाम। मैं तो कहती हूँ तुम उससे डिवोर्स ले लो। लगता है मेरे प्यार की हिचकी अभी तक चालू है। तुम ठीक कह रही हो, अब तलाक ही एक रास्ता है। वो मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास आता हूँ, हम दोनों मिलकर वकील के पास जाएंगे और तलाक की बात करेंगे। पर जल्दी आना, दोपहर को जरा प्यार भी करेंगे, भूलना नहीं, जल्दी आना प्लीज। तेरे प्यार में सारा आलम को बैठे। तुम कहती हो कि ऐसे प्यार को भूल जाए, नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा। बाय बाय। I love you, darling. I sweet love you, मामू। ये क्या मिस्टर साठे? इतने सारे बिल हर महीने आते हैं? हाँ सर, ये किरण साहब के हर महीने का खर्चा है। आखिर वो करता क्या? सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन किरण साहब बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो चंदा नाम की एक नाचने वाली लड़की के पीछे बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपने चंदा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की, एक बाजार नाचने वाली के लिए तुम अपने भाई को। आपके और मेरे रिश्ते से बढ़कर चंदा और मेरा रिश्ता है भैया। ये नाचने वाली होगी तो दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अगर किसी ने इसके खिलाफ एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला? मां, तुम अगर इसी तरह खामोश रही तो देखना एक दिन किरण तुम्हारे नाम पर धब्बा लगाकर रहेगा। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम जाने और किरण जाने। मैं जानती हूं रवि की हर बात सच है, लेकिन किरण बेटे आखिर हर चीज की कोई हद होती है। तुम कुछ नहीं जानती मां, कुछ नहीं। ये सब उस टाइपिस्ट की चाल है जो भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही है। उषा को इस घर की बहू बनाकर इलेक्शन जीतने की तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन तुम नहीं जानती मां कि उषा दिखती कुछ और है, लेकिन है कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये मां कि भैया की शादी से पहले उषा और मेरी दोस्ती काफी अच्छी थी, याद तक कि हम दोनों के। अब मैं कैसे कहूं मां, बोलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन तुम ही बताओ ऐसी औरत के होते हुए मैं इस घर में चैन से कैसे रह सकता हूं? ओह, तो ये बात है। हाँ। तो फिकर मत करना, मैं किसी भी कीमत पर तुझे नहीं खो सकती। माँ, अगर उषा को मैं अपनी चाल का मोहरा बनाकर इस घर की बहू बना सकती हूँ तो उसे इस घर से निकाल भी सकती हूँ। क्या? देखो बेटे, लंदन की एक कंपनी के साथ हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है, उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। मगर माँ, उषा को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ? गैरों की तरह बातें मत करो रवि। सास के लिए बहू तो बेटी समान होती है, और उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू की चिंता लगी रहती है। बेटे देखो उषा, तुम्हारे ये आंसू कहीं मेरे पाँव में जंजीर न डाल दे। मैं कहा तुम्हें रोक रही हूँ, लेकिन मेरा मुझे डर सा लग रहा है रवि। अरे इसमें डरने की क्या बात है? जितनी फिक्र मुझे तुम्हारी है उससे कहीं ज्यादा माँ को है। वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी, और फिर कुछ दिनों की तो बात है, काम खत्म होते ही मैं जल्दी लौटाऊंगा। हेलो। हाय जान। हाय, हाउ आर यू? फाइन। करवटें बदलते रहे सारी रात, हम बड़े आपकी कसम, बड़े आप
बस यूं समझ लो कि जान के बगैर शरीर खाली पड़ा हुआ है अनारकली। अच्छा सुनो, वो चुड़ैल अभी तक जाग रही है या सो रही है? तेरी माँ की? मेरी माँ की क्या? मेरी माँ की? अरे सुबह से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, कोई मीठी मीठी बात करो ना डार्लिंग, बहुत थका हुआ हूँ। ओ तो आ जाओ ना, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें भी करूंगी और तुम्हारे बदन की मालिश भी करूंगी। याद है ना उस दिन कितना जबरदस्त मालिश की थी मैंने? मालिश? गरम गरम पानी में तेल। मगर तुम ना छी बाबा, कुछ ज्यादा ही तंग करते हो। यही तो फर्क है तुझ में और उस साली में, एक बर्फ का गोला और दूसरा आग का गोला। आज बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं बर्फ का गोला हूँ या आग बबूला। हेलो हेलो श्याम डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, कट गया था सॉरी। श्याम? हाँ सुन रहा हूँ डार्लिंग। श्याम? हाँ श्याम, क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। ये सब क्या है? मैंने सोचा तुम थके हुए हो ना, इसलिए अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करके थकान उतारूंगी। चलो कपड़े उतारो। मेरे कपड़े नहीं, अपने कपड़े उतारो। भाभी, लंदन से भैया का फोन आया है। हेलो 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 हेलो, ये क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो, जाने दो मुझे। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाने के बाद। ये क्या कह रहे हो तुम? खेल खेल रहा हूं, और आज के इस खेल की हीरोइन तुम और हीरो मैं। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो भाभी? अरे मैं क्या कर रही हूँ भाभी? क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, चलो बाहर। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। नहीं भाभी, ये मत करो। नहीं भाभी, मैं भैया को क्या बोलूँ? ना करो भाभी, ना करो। अरे भाभी ये मत करो भाभी, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो भाभी? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। भाभी तो बहुत सामान होती है, बहुत सामान होती है भाभी। अरे कोई आए, कोई आए, देखो तो सही ये क्या हो रहा है। किरण बाबू, हाय ना, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? मुझे तेरी कसम माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने भाभी को बहुत समझाया, लेकिन कहने लगी मुझे नींद नहीं आती है। नहीं, ये झूठ कह रहा है माँ जी, ये मुझे आप सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है। मैं अपने स्वा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ माँ जी, मैं निर्दोष हूँ। नीच बेशर्म, आखिर बता देना अपनी असलियत। जब मेरे राम जैसे बेटे को पता चलेगा कि जिससे वो सीता समझता था वो एक बदचलन औरत है, तो शर्म के मारे वो अपनी जान दे देगा। तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, निकल जा मेरी नींदों के सामने से। नहीं माँ जी नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे बचा लो मौसा जी, मुझे बचा लो, मैंने कोई पाप नहीं किया। नहीं पता नहीं लोग मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं, मुझे बचा लो। दुर्गा जी मैं कहता हूँ रवि को तो आने दो। तुम चुप रहो, अब क्या कसर बाकी रह गया है जो मैं रवि को आने दूँ? निकल यहाँ से। माँ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह बाकी नहीं है, निकल यहाँ से। खबरदार जो तुम्हारे यहाँ कदम रखा तो निकल यहाँ से। माँ जी, माँ जी मेरी बात तो सुनिए, माँ जी, माँ जी मेरी बात तो सुनिए।
ये तो मर गई। हाँ हाँ मर गई, दूसरा काम भी तो करना है, चल। अरे लक्ष्मी का नहीं जमे आगे चलो, आज उषा का पूरा खानदान ही जलकर खत्म हो गया। माँ उषा, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? रवि बेटे। माँ कैसी हो? माँ उषा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है माँ, तुम खामोश क्यों? रवि बेटे, हमारा खामोश रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उषा के बारे में कुछ कहेंगे तो तुम सुन नहीं सकोगे। ऐसी कौन सी बात है मां जो मैं सुन नहीं सकूंगा? देखो बेटे, कोई भी इज्जतदार मां अपने बेटे के सामने अपनी बहू की इज्जत को उछाल नहीं सकती। मां ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, सच बहुत कड़वा होता है बेटे। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो श्याम सुंदर से पूछ लो। नहीं नहीं, मैं उषा के बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं मान सकता। मेरी उषा ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। इस तरह उस हादसे में सबके सब जलकर खत्म हो गए, सिर्फ ये खंडर रह गया है। पता नहीं आग कैसे लगी। डॉक्टर साहब, दवाइयां लाया हूं। हमिद भाई, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम इसके लिए सब कुछ कर रहे हो। डॉक्टर साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा की मर्जी से कर रहा हूं, वरना आदमी अपनी मर्जी से किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, 3 महीने हो गए इसे होश क्यों नहीं आ रहा? डर तो हम भी रहे हैं, क्योंकि इसके पेट में एक जिंदगी पल रही है। मां और बच्चा दोनों खतरे में हैं। क्या इन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं? तरीका एक ही है, सर्जरी। ऐसी हालत में ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मां बच पाएगी कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए मगर दोनों को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का काम सिर्फ कोशिश करना है, बचाना तो मालिक के हाथ में है। मालिक मेरी जरूर सुनेगा डॉक्टर साहब, मालिक मेरी जरूर सुनेगा।
ये सब अल्लाह का करम है बहन, वरना डॉक्टर ने तो मुझे नाउम्मीद कर दिया था। अब मैं तुमसे तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हमीद भाई, आपने मुझे बहन कहा है और अपनी जान पर खेलकर मुझे और मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। कसम है आपको उस पवित्र रिश्ते की, अगर आपने मुझे मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछा तो। मगर जुल्म सहना भी पाप है बहन, तुम मुझे उनका नाम और पता बताओ, तुम पर जुल्म ढाने वालों को बर्बाद कर दूंगा मैं। मैं उस घर की और अपने पति की बर्बादी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वहां से लौट आई। अब मैं उन लोगों के लिए मर चुकी हूं, शायद मेरी ये मौत ही उस घर के लिए नई जिंदगी हो। मां, क्या हुआ मां, क्या सोच रही हो? अरे सोच में नहीं डूबेंगी तो बेचारी क्या करेंगी, एक तो इनके सर पर पहले से एक के बाद दूसरी बिजली गिर रही है और उस पर से तुम एक नई बिजली गिराने चले आए। भासा, इन पर गर्म होने की कोई जरूरत नहीं किरण, जो कुछ भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सच है। इस खानदान, इस घर और अपनी माँ की इज्जत की परवाह किए बगैर तुम इस कीचड़ को इस घर की कालीन पर बिछाना चाहते हो। भैया ये मत भूलिए कि इस घर की दीवारों पर आपकी पत्नी की भी कहानियां लिखी हुई हैं और आपकी पत्नी से चंदा लाख दर्जे बेहतर है। गिरन, चिल्ला मत भैया, ये बदनामी के साए में पली जरूर है लेकिन बदनाम नहीं हुई, इसने अपने अदाओं को बेचा है, जिसम नहीं बेचा इसने। सुन रही हो मां, है आज तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब? तुम बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो मां? रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा हंस चुनेगा दाना दुनका, कौवा मोती खाएगा। ये छोटा कौवा कौन है? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक मौसा, बंद करो अपनी कविता। हराम की रोटियां खाते खाते तुम्हें चर्बी चढ़ गई है, अपनी औकात में लेके बात क्या करो समझे? जिसे तुम कौवा कह रहे हो ना, वो चंदा का भाई है, मेरा साला है, तुम्हारी तरह इस घर की दहलीज में बंधा हुआ कुत्ता नहीं। कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा? हाँ हाँ कहा और 100 बार कहूंगा। तुम में और कुत्ते में फर्क ही क्या है? वो भी टुकड़े खाकर अपनी दुम हिलाता है और तुम्हारी तरह भौंकता रहता है। वाह किरण साहब वाह, आज आपने बड़ी मेहरबानी की, मुझे समझा दिया कि इस घर में मेरी औकात क्या है। मैं तो वाकई कुत्ता हूं, अरे मैं तो कुत्ते से भी गया बीता हूं, जो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि आप लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। मैं भोला भाला सीधा साधा हंसता रहा, हंसाता रहा, आप लोगों को कविताएं सुनाता रहा और मुझे मालूम ही नहीं कि आप सब लोगों मुझे कुत्ता समझे। लेकिन आज ये पालतू कुत्ता इस घर में रहने की बजाय गली का कुत्ता बनना ज्यादा बेहतर समझेगा। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। राधा, अगर तुमको मेरी धर्म पत्नी बनकर जीना है तो इस घर को अभी इसी वक्त छोड़ना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। राधा, तुम इसके साथ जाओगी कहां? जहन्नम में, तुम्हारा बड़ा घर और घटिया ख्याल तुम्हें ही मुबारक हो। जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो वहां रहकर क्या फायदा। चलो श्याम, चलो। अरे दुर्गा निवास छोड़ दिया तो क्या हो गया यार, तेरे लिए ये हर्षद टोपी ऐसे एक नहीं 10 घर खरीद सकता है। तेरे को ऐसे समझाऊं, घूमी हो गई, बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। बहुत अच्छे, देखा भाभी, ये है बीवी का असली रूप। आज मैं बेहद खुश हूँ, मैं अपने दोस्त की खुशियाँ वापस लाने में कामयाब रहा। आप कामयाब रहे, कुछ समझी नहीं? अरे राधा, यही है मेरा कॉलेज का दोस्त, वो फोन वाला जानू, जानू जानू। जानू? मैं जानू बोल रही हूँ, तुम्हारे कॉलेज की दोस्त जॉन। तो वो आप थे? हाँ, यही है वो जानू जो आवाज बदल कर आपको फोन करते रहे हैं। वैसे भी इनकी आवाज
शेयर बाजार में चिल्लाते चिल्लाते इतनी बदल चुकी है कि कभी कभी तो मैं भी नहीं पहचान पाती। अरे भाई जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम मेरे साथ चोर बाजार चलना। चोर बाजार बोला? हाँ। शेयर बाजार। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लोगों को टोपी किस तरह पहनाना और फिर देखना जिंदगी की गाड़ी का पहिया कैसे घूमता है। पहिया तो ये मशीन का पहिया रोक दो। अब तो मोहल्ले वालों के कपड़े सीना बंद कर दो। पहले तो तुम घर चलाती थी मगर अब क्यों? मैं ये फ्रॉक मोहल्ले वालों के लिए नहीं सी रही हूँ भाई साहब, अपनी लाडली बेटी मधु के लिए सी रही हूँ। इस मशीन के पहिए के साथ साथ जिंदगी का पहिया ऐसे घुमा, वक्त कब गुजर गया पता भी नहीं चला। अगर तुम ना होती ना जाने मेरा क्या होता, शायद किसी सड़क पर भीख मांग रहा होता। आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई साहब? जब से मैं अपाहिज हो गया तब से तुम्हें ने तो मुझे संभाला है। भाई साहब आपके साथ जो अनहोनी हुई है उसका कारण मैं ही तो हूँ। आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है, आपने एक साथ दो दो जाने बचाई हैं, एक मेरी और एक मेरी बेटी की। बचाना और मारना तो अल्लाह के हाथ में है मेरी बहन, मैं कौन होता हूँ बचाने वाला। अरे हमारी बेटियां नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? पता नहीं, जब पूछो कहती है कि क्लास में जा रही हूँ। पता नहीं दिन रात कौन से क्लास में जाती है। संसारी रे हसी में उठियो के अभी अभी तो तूने खाना खाया फिर चल दी। अब कौन सी क्लास में जा रही है तू? नाइट क्लास में माँ। नाइट क्लास? हाँ, अगर नाइट क्लास नहीं जाऊंगा तो कॉलेज में फेल हो जाऊंगा। कॉलेज में फेल हो जाऊंगा तो अपन को नौकरी कौन देगा? नौकरी नहीं मिली तो अपना रोटी पानी का चक्कर कैसे चलेगा? ये अपन तपुन आऊंगा जाऊंगा क्या लगा रखा है? ये कैसी जबान में बात कर रही है तू? अरे माँ आजकल शहर की हवा बहुत खराब हो गई है, छोकरी बनकर बात करो तो छोकरा लोग आंग पर आते हैं। और ये अपुन तप्पू नायला गैला खल्लास कर डालेगा बाप, बस इतना बोलो तो छोकरा लोग भी छोकरी बन जाता है। इसलिए ये भाषा एकदम करेक्ट है माँ, हर टपोरी समझता है और दो फुट दूर रहता है। मगर ये बातें तेरी समझ में नहीं आएगी माँ, अपुन चलता है। मधु अपनी माँ से छुप छुप कर कब तक नाइट क्लास के नाम पर रिक्शा चलाती रहोगी तुम? हाँ जब तक मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेती। मगर हमीद भाई तुम्हें मेरी कसम है अगर तुमने माँ को ये बात बताई तो। नहीं बताऊंगा,
लेकिन सुन, जब तक तो घर नहीं लौटती ना, दिल में एक डर सा लगा रहता है। डर किस बात का? अभी तो अपन कराटे चैंपियन बन गया है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि अपन के सामने आग भी उठा कर देखे। और ये ड्रेस पहनने के बाद अपन मधु नहीं, मलिया शेट्टी है, मलिया शेट्टी। अरे ये क्या? बंबई में सिर्फ 3 पूरी चलता है, भेलपुरी, पानीपुरी और ये रामपुरी। अरे क्या बात है आंटी, अपुन तो आज हॉर्न बजा बजा के थक गया, मगर रीटा के जगह तुम बाहर आया। बेटा रीटा की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। अरे आंटी, अपुन बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, बेटी को रात रात भर क्लब में नचवाओगी तो बुखार नहीं आएगा तो और क्या आएगा? हाँ, दुनिया की कोई माँ अपनी बेटी को दूसरों के सामने नचवाना नहीं चाहती बेटा, ये हमारी मजबूरी है। रीटा के डैडी की एक्सीडेंट में मौत के बाद यही सारे घर को संभाले है, 2 छोटे भाई बहन भी है। तुम्हारी बात अपुन के खोपड़ी में एकदम उतर गई आंटी, औरत की बात औरत ही समझ सकती है, और अपुन मर्द नहीं, औरत है आंटी, औरत। मतलब तुम लड़की हो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा आंटी, जिस घर में मर्द नहीं होता है उस घर की औरत की हालत बहुत खराब होती है। अपुन की भी कहानी तुम्हारी जैसी है, लेकिन यू डोंट वरी, रीटा रेस्ट भी करेगी और उसकी नौकरी भी नहीं जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि रीटा की जगह अपुन नाचेगा और साथ में सारे क्लब को भी नचवाएगा। Thank you.
कितना हुआ? 12। चल बे चुकने, माल निकाल जितना कमाया हुआ, वरना तेरे 12 बजा दूंगा, समझे? चल बे बाहर निकल, चल 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 बाहर निकल, चल चल, सब अपने ही आदमी है। चाकू तो अपुन भी रखता है, मगर अपनी हिफाजत के लिए। भागो यहां से, चल। ऑरेंजेस, दिस लाइन गो। This line goes to the ho- This line goes to the Sir. टमाटर बेचने वाला पकड़ा गया। कौन? मधु, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। पैसे वाले बाप की बिगड़ी ही औलाद हो तुम। क्या यही सब करने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जाने दो मधु, ये बहुत खतरनाक लड़का है। ऐसे कई खतरनाक लड़कों को मैंने ठीक किया है सर, ये किस खेत की मूली है? Thank you.
राजू भाग के जा, डॉक्टर को बुला। ओ भाई लोग, आप लोग अपने अपने घर जाइए, खतरे की कोई बात नहीं है। क्या हुआ अब्दुल? हमी चाचा बेहोश हो गए। क्या क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटी, चौराहे पर आते आते हमीद भाई गिर पड़े और बेहोश हो गए। हमीद भाई, माँ इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हार्ट अटैक, हमीद भाई को सीरियस हार्ट अटैक हुआ है और उनका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा है। क्या? देखिए वक्त बहुत कम है, आप लोग पैसों का इंतजाम कीजिए। कितने पैसे चाहिए डॉक्टर साहब? कम से कम 50,000 रुपए तो लगेंगे ही। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं कुछ भी करके पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, आखिर तुम रिक्शा क्यों बेचना चाहती हो? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए रिक्शा बेचना चाहती हूँ। पैसों के लिए रिक्शा बेचने की कोई जरूरत नहीं, मेरी थोड़ी सी जरूरत को तुम पूरी कर दो और तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हारी जरूरत? टेढ़ी मेढ़ी बात तो अपन को बिल्कुल आती नहीं, सीधी सी बात है। आज की रात को तुम मेरे लिए रंगीन बना दो, माल तुम्हें मिल जाएगा।
सेवक राम नाम के सेवक के हाथों आपको सारी जनता का नमस्कार। दुर्गा देवी, 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 दुर्गा देवी। भाइयों और बहनों, जिंदाबाद हम नहीं, जिंदाबाद रखना है हमें हमारी जनता को, इस देश में जीने वाले सच्चे कानून को, सुहागनों के सुहाग को, माँ के बच्चों को, बहनों की इज्जत को, जिंदा रखना है हमें जनता की खुशियों को। हमें सिर्फ कहना ही नहीं है बल्कि करके दिखाना है। अगर हम आपसे ये कहें कि आप लोग हमें वोट दीजिए और बदले में हम आपके नलों में पानी की जगह दूध बहा देंगे, तो वो नेता झूठा है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि नलों में सिर्फ पानी ही बह सकता है। अगर हम ये कहें कि हम आप लोगों की गरीबी दूर कर देंगे, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इस देश की गरीबी उसी वक्त मिट सकती है जब इस देश का हर अमीर अपने घर में गरीब की बेटी को ब्याह कर लाएगा, अपनी बहू और बेटी की जगह देगा। ये गरीबी तभी मिट सकती है। गरीबी मिटाने के लिए हर अमीर को आगे बढ़कर गरीबों को गले से लगाना होगा। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी नहीं, जनता जिंदाबाद। दुर्गा देवी वाह, क्या जबरदस्त तकरीर की है आपने। आपने तो अपने शब्दों से यूं समझिए कि सारी वोटें अपने डब्बे में डलवा ली है। बसा सेवक राम, जनता भोली भाली होती है, गरीबों के दिलों से खेलना बहुत आसान होता है। मीठे मीठे चंद शब्दों के कुछ कतरे शहद की तरह टपका दो, गरीब तुम्हें जिंदगी भर सलाम। इस तरह ये कांच की दीवार नेता और जनता के दरमियान है। कल इसी तरह जब हम विधानसभा में होंगे, वहाँ ईंटों की दीवार होगी। आज भी ये क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा, कल भी सुनाई नहीं देगा। यही राजनीति है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। वाह दीदी वाह, तू भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लोगों के सामने क्या क्या फेंकते हैं। पता नहीं तेरा ये ख्वाब पूरा भी होगा या नहीं। हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या हो गया? अरे धर्म पत्नी, तुम्हारे स्नान के लिए बाथरूम में पानी गर्म हो गया। श्याम सुंदर? अरे अब काहे का श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की सुंदरता की तो उसी दिन दशा हो गई थी जिस मनहूस घड़ी में वो इस घर में दामाद बनकर आया था। अब तो नहीं रह गया कोई मेरा मकाम, सुबह से शाम तक है मुझको घर का काम, और इसी तरह हो जाएगी मेरी जिंदगी तमाम। सुबह सुबह ये सड़ी हुई कविताएं सुना के मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं वरना नहीं मुझे है जी। अरे बंद करो अपनी ये घटिया कविता और ध्यान से सुनो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए ना, उसके मैचिंग के जूते भी निकाल के रखना समझे, वरना उन्हीं जूतों से मार मार कर तुम्हारी कविता भुला दूंगी। मैं तो इस घर में पति बनकर आया था, मैं तो पत्नी बनकर रह गया। जो खिल सके ना वो भूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। अरे ओ सड़ियल कविराज, लगता है कविताएं गागा कर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ धर्म पत्नी? ये देखो ये कुत्ती के नहाने का साबुन तुमने मेरे नहाने के लिए रखा है। ओ शट अप, जाओ और जाकर दूसरा साबुन ले आओ। सठिया क्या, अरे साबुन बनाने वालों को आजकल इंसानों और कुत्तों में फर्क ही नजर नहीं आता। हे भगवान, कहां फंसा दिया मुझको अमीरों के बाजार में। बड़ी साली को पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, छोटा लड़कियों के पीछे है और बड़ा बिजनेस में बिल्डिंगों के पीछे है। मिस्टर साठे, बिजनेस में वही लोग ऊंचाई पर होते हैं जिनकी सोच में ऊंचाइयां होती है। मगर सर, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने में तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैनेजर साहब, आप मिट्टी की जमीन पर हमेशा नोटों की इमारत देखना चाहते हैं, मगर कुछ सौदे जज्बात के भी होते हैं जहाँ फायदे और नुकसान की कोई अहमियत नहीं होती। सर मैं समझा नहीं,
ये उस बिल्डिंग की तस्वीर है जो मेरे स्वर्गीय पिताजी की सबसे बड़ी तमन्ना थी, जो उनके जीते जी तो पूरी ना हो सकी, जिसे अब मैं पूरी करूंगा। सर, इस कंपनी के सारे प्लान, हिसाब किताब के सारे पेपर्स दुर्गा जी के टेबल से पास होकर जाते और उनकी मर्जी के खिलाफ। वैसे भी माता जी और आपके बीच छोटी मोटी गलत फहमियां हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हेलो, यस, कौन मिस्टर साठे? गुड मॉर्निंग दुर्गा जी। गुड मॉर्निंग। रवि से कहना कि आज शाम को 6 बजे क्लार्सन एंड टोबरो में हमारी खास मीटिंग है, हम वहां नहीं जा पाएंगे। उस मीटिंग में वो चला जाए वरना हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा और हमें नुकसान पसंद नहीं। ओके रवि साहब, आज शाम का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? माँ जी ने किसी अर्जेंट मीटिंग में जाने का हुक्म दिया है। यस सर। मिस्टर साड़ी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं वादे और जबान का बहुत पक्का आदमी हूँ। आज शाम 6 बजे मैं वहीं जाऊंगा जहां मैंने जाने का वादा किया है।
कम इन। नमस्ते जी। नमस्ते। आप? मेरा नाम सुंदर साठे है, आपके प्रोग्राम का चीफ गेस्ट रवि वर्मा का मैनेजर हूँ मैं। साहब को एक जरूरी मीटिंग से बाहर जाना था। अच्छा। तो उन्होंने आपकी संस्था के नाम ये 1.5 लाख का डोनेशन चेक और आपके लिए गुलदस्ता भेजा है। थैंक यू। ये रवि साहब का कार्ड है, उन्होंने कहा है आपको कभी भी कुछ भी काम हो बिला झिझक फोन कर सकती हैं। हेलो सर, वो लड़की आ गई है। कौन? उषा। उसे जल्दी से अंदर भेज दो। ओके सर। देखिए आप अंदर चले जाइए। कम इन। मैंने अपना कार्ड भेजा था, लगता है इसीलिए यहां पहुंच गई है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपने पता दिया था तो मुश्किल कैसी। बैठिए। थैंक्स। मैं फिक्रमंद था कि आपको मेरा एड्रेस मिला भी है या नहीं। मिलता कैसे नहीं, आपने अखबार में टाइपिस्ट के लिए इतना बड़ा इश्तेहार जो दिया था। ओ, मतलब आप इश्तेहार देकर रही हैं? जी। नौकरी के लिए? जी हाँ, ये रहे मेरे क्वालिफिकेशंस। अरे रे, इसकी क्या जरूरत है, समझिए आपको नौकरी मिल गई, बल्कि आप अभी से काम शुरू कर सकती हैं। थैंक्स। उषा, प्लीज कम इन। यस सर। पांडू, लगता है मामला गड़बड़ है, जरा देख तो सही। कल उसके प्रोग्राम में गए, आज ही इंटरव्यू और आज ही नौकरी। पुन्ना, क्या हो रहा है अंदर? लेकिन हमारी शादी इतनी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। कहाँ आप और कहाँ मैं। उषा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं आज ही हमारी शादी के बारे में मां से बात करूंगा।
मतलब आपको मेरा और उषा का रिश्ता पसंद नहीं है। रवि बेटे, हमारी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी टाइपिस्ट हमारे घर की बहुरानी बने, हमारे सामने झुकने वाला सर हमारे सामने नजरें मिलाकर बात करे, नहीं रवि बेटे, ये रिश्ता नहीं हो सकता। ये गलती तुम्हारी मां के साथ शादी करके तुम्हारे पिता ने भी की थी। रवि बेटे, ये मत सोचो कि हम तुम्हारी सौतेली मां है और तुम्हारे अरमानों का गला घोंटना चाहते हैं। दरअसल हम अपने पति की इज्जत का गला घोंटते हुए नहीं देख सकते। हमारी बात को गौर से सुनो। जिन्हें आसमान की तरफ देखकर चलने की आदत होती है वो जमीन पर पड़े हुए कचरे की तरफ नहीं देखते। देखो बेटे, उषा को दुर्गानिवास की बहू बनाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। श्याम सुंदर, बुरा मत कहो जी, बुरा मत देखो जी, बुरा मत सुनो जी। बंद करो ये कविताएं। जानता हूँ जानता हूँ, आप पॉलिटिक्स वाले लोगों को कविताएं अच्छी नहीं लगती हैं। जानते हो कल रात से किरण घर नहीं आया। कल रात से नहीं, पूरी तीन रातों से, तीन रातें और चार दिन और तीन और चार आठ, पता नहीं आपका बेटा कहाँ 9, 2, 11 हो गया है। तू शायद मुझे नहीं जानता, मेरा नाम किरण है, किरण वर्मा। मैं जिस चीज को पसंद करता हूं ना, उसे हासिल करके ही छोड़ता हूं। अभी तक हवलदार का हवलदारी है, लगता है बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, अभी तक इंस्पेक्टर नहीं बना। आजकल इंस्पेक्टर कौन है? मेरा नाम रंजीत खन्ना है, मगर सेवक राम जी आप नहीं जानते, ये आदमी गुनाह करने के बाद भी हवालात जाना नहीं चाहता। क्यों जाऊं, क्यों जाऊं? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं इंस्पेक्टर। हाँ, लगता है आप इस पुलिस स्टेशन में नए नए आए हैं, वरना किरण वर्मा का नाम सुनते ही सब खड़े हो जाते हैं। मुझे सेवक राम जी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक मिनट, इंस्पेक्टर, तुम इंस्पेक्टर से डीसीपी नहीं बनना चाहते? जी जरूर चाहता हूँ। तो फिर मुझ जैसे नेताओं की बातें माना करो ना। हाँ, इसकी माँ इस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनने वाली है और मैं फाइनेंस मिनिस्टर। मगर इसके खिलाफ जो कंप्लेंट है वो आप जानते हैं? ओहो, कंप्लेंट लिखी जाती है तो फाड़ी तो जा सकती है इंस्पेक्टर। मेरी बात मानो, जो कंप्लेंट तुमने सालों से है, हाँ, और इलेक्शन के बाद इस इलाके डीसीपी बनने की तैयारी करो, समझे? चलो 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 चलो। मगर अरे तुम मुझे बाद में फोन कर लेना। नाम क्या तुम्हारा? खन्ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन सेवक राम सच कह रहे हैं बेटा, जानते हो तुम्हारी इन छोटी छोटी गलतियों को एक बड़ा इश्यू बनाकर ऑपोजिट पार्टी वाले हमें हरा भी सकते हैं। अरे भाई, एक बार ये इलेक्शन जीत जाएं और दुर्गा देवी स्टेट की चीफ मिनिस्टर बन जाए तो फिर तुम्हें कौन रोक सकता है, जो जी में आए करना। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इस लड़के का क्या करूं। ओहो, सीधी सी बात है, जब बछड़ा बेकाबू हो जाता है ना तो उसके गले में शादी की जंजीरें डाल देनी चाहिए, उसकी शादी करवा दो वरना। मगर सेवक राम,
बड़े के होते हुए अगर छोटे की शादी करवाई तो ये सौतेली माँ और भी बदनाम हो जाएगी। बड़ा तो प्यार के चक्कर में फंसा है और वो भी ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली टाइपिस्ट के साथ। ये हुई ना बात, बस जीत गए हैं इलेक्शन, बन गई तुम चीफ मिनिस्टर। अरे दुर्गा भाई, इस इलेक्शन में जीतने का इससे बड़ा इशू और कोई नहीं हो सकता कि दुर्गा भाई खानदान की बहू एक मामूली टाइपिस्ट। याद है हमारी पार्टी का भी यही नारा है, इस देश से गरीबी मिटाने का एक ही तरीका है, गरीबों को गले लगाओ। मगर सेवकराम वो अगर मगर कुछ मत करना दुर्गा भाई, वो भोली बाली गरीब टाइपिस्ट की शादी अपने सौतेले बेटे रवि से करवा दो और इतना हंगामा कर दो कि शहर के हर अखबार में बस यही हेडलाइन हो। जो समझ लो कि हमारी इलेक्शन का यही मोहरा है। चाल चलो तो ऐसी कि किसी को पता भी नहीं चले। इसीलिए दुर्गा भाई इसी को कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम, आप क्या है बाहर आ गई पार्टी में। नमस्ते जी, चलिए चलिए। यू केम इन टू माई हाउस, दैट इज गॉड नेचर, समटाइम्स आई लुक एट यू, समटाइम्स आई फर्नीचर। लक्ष्मी जी ये दुर्गा देवी है और ये मेरी धर्म पत्नी राधा। नमस्ते जी। दुर्गा जी ये लक्ष्मी बहन है और ये इनकी बेटी संध्या और ये उषा। आई आई आज भी कभी बहू थी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। माँ रवि बेटे। माँ उषा और उसकी माँ यहाँ कैसे? इन लोगों को हमने यहाँ बुलाया है। आपने? हाँ। कि उस दिन तो आपने कहा था कि वो दिन तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का दिन था और आज का दिन उस इम्तिहान के नतीजे का। नतीजा? सेवकराम जी, भाइयों और बहनों, आप सब लोग पूछ रहे थे ना कि आप सब लोगों को आज यहाँ किस लिए बुलाया गया है, तो दिल थाम कर सुनिए। दुर्गा देवी जो सचमुच दया की एक देवी है और जो भी वो बोलती है वो करके बताती है, अपने देश से गरीबी हटाने के लिए दुर्गा देवी जी ने एक नारा लगाया था कि अगर हर गरीब की बेटी को अमीर अपने घर की बहू बनाएगा तो इस देश से गरीबी हट सकती है। और आज उस बात को साबित करने के लिए दुर्गा देवी जी खुद अपने ही घर से बात की शुरुआत कर रही है। क्या मतलब? मतलब आज आप सबके सामने दुर्गा देवी जी अपने बड़े लड़के रवि की सगाई उसी के ऑफिस की एक टाइपिस्ट मिस उषा के साथ करके उसे अपने घर की बहू बनाकर उसे अपने गले लगाएंगे। मंगलराम अंगूठिया ले आओ।
संध्या, मैं तुम्हारी दीदी की ऑफिस से बोल रहा हूँ। तुम्हारी दीदी बाथरूम में फिसलकर गिर गई है। क्या? हाँ, उन्हें गहरी चोट लगी है, लगता है उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तुम फौरन आ जाओ। मैं अभी आती हूँ। गोविंद भाई, उषा दीदी गिर के बेहोश हो गई है। हा? मैं उनके ऑफिस आती हूँ, मैं आपको वहाँ से फोन करूंगी। आप प्लीज मेरी माँ को बुलवा दीजिएगा। जा बेटा, जल्दी जा। दीदी कहाँ है? दीदी उन्हें अंदर कैबिन में सुलाया, मैं अभी एम्बुलेंस लेके आता हूँ, आप अंदर चलिए। ठीक है। याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम किरण वर्मा है, और किरण वर्मा को जब कोई चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही छोड़ता है। कि मैं तेरे बहू ना होती, कि तू जीते जी मर जाता। ये थप्पड़ तुझे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। शराब ही पीते जाओगे? गम का बोझ उतारने का सिर्फ यही एक तरीका है मेरे पास चंदा। मेरे होते हुए दुनिया का कोई भी गम तुम्हें छू नहीं सकता। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया किरण? दुर्गा देवी, अरे ओ दुर्गा देवी कहाँ हो? अरे मुबारक हो दुर्गा देवी, मुबारक हो। चमक गई हमारी पार्टी की किस्मत, खुल गए हमारी तकदीर के दरवाजे, मिल गई हमें हमारी मंजिल। सेवकराम, क्या कह रहे हो तुम? अरे ये देखो दुर्गा देवी,
ये देखो, ये भी देखो, आज के हर अखबार की हेडलाइंस के साथ ये न्यूज है कि दुर्गा देवी जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। एक गरीब लड़की को अपने बड़े घर की बहू बनाकर यू समझ लो कि शहर के सारे गरीबों का विश्वास जीतकर इलेक्शन को जीत ही लिया। मतलब उषा नाम का गरीबी का कीड़ा जो हमारे लिए शहतूत के दरख्त पर रेंगने वाले रेशम के कीड़े की तरह काम में आएगा। वो कीड़ा अपने मालिक को रेशम देता है और ये कीड़ा जनता के हाथों हमें वोट दिलवाएगा। बेचारी उषा समझती होगी कि हमने उस पर और उसकी गरीबी पर तरस खाया है, और उधर रवि समझता होगा कि हमने उसके प्यार को अपनाया है। लेकिन उन दोनों को क्या मालूम कि हमने उनकी शादी को अपने इलेक्शन के पोस्टर के तौर पे इस्तेमाल किया है, और ये शादी हमारी जीत का एक मोहरा है। मोहरा, हाय, इसे कहते हैं राजनीति, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। माँ ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है कि आंखों में आंसू आ गए। शादी से पहले तुम्हें माँ से कितना डर लगता था, आज देख लिया ना माँ का असली रूप। सच उषा, मैंने उस माँ की कोख से जन्म नहीं लिया, मगर उसने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मैं उसका अपना खून नहीं हूं। बस जबान की जरा तीखी है, मगर दिल एकदम शीशे की तरह साफ है। सच रवि, बिल्कुल सच। मां का प्यार तो तुमने देख ही लिया, अब अपने पति का प्यार भी देखना। मैं अपनी प्यारी प्यारी पत्नी को इतना प्यार दूंगा कि दुनिया के किसी भी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दिया होगा। आईब्रो ब्रश कौन सा? ओफो, इतने साल हो गए आईब्रो ब्रश समझ में नहीं आता। लिपस्टिक ब्रश हो? शिट, मेरी साड़ी नीचे कर दो ना। इतनी नीचे तो है, पता नहीं फिर भी ज्यादा नीचे करवा के किसको कमरिया दिखाने जा रही है। शाम कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। साड़ी ऊपर करने में मेरा मतलब है साड़ी नीचे करने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। अरे अरे, क्या कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गया? मैंने कमर से नहीं, पाँव से नीचे करने को कहा है। मैंने सोचा कमर से नीचे करने को कहा, अच्छा नीचे से करता हूँ। तुम जिंदगी में कुछ नहीं समझोगे, ठीक करो ना साड़ी। राधा, आज तुमको देखकर मेरे को ना एक कविता बोलने का दिल कर रहा है, बोलू? नो, चुप करो, साड़ी ठीक करो, साड़ी। भगवान, मेरी तकदीर में लिखने के लिए कोई और नहीं मिला जो इस पागल कवि को लिख दिया। जाओ, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। राधा, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे एक और कविता याद आ रही है, बोलू? शट अप, मुझे कोई कविता नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। न जाने इस पागल के साथ मैंने इतने साल कैसे निकाले। तुम मेरे सामने हो, तेरी जुल्फे हैं खुली, तेरा आंचल है। अरे बस करो तुम्हारी ये सड़ी हुई कविता। सुनो, मुझे शाम को पार्टी में जाना है, मेरे सारे कपड़े इस्त्री करके रखना, और हाँ, मुझे ब्यूटी पार्लर है ना जहाँ तुम जाते हो, वहाँ जाके मेरी वो ब्राउन कलर की विग लेके आना। ओके, ब्राउन वाली विग भी आ जाएगी, याद से लाना, मैं ये में लगे रहोगे। अरे क्या है श्याम सुंदर। मेरा मामला तो बिल्कुल फिट है यार। ये हाथ में सूखी ब्रेड, ये लेडीज वीग,
तू कहीं किसी नाटक कंपनी में भर्ती देने हो गया क्या है? जाने दे यार, इस मामले फिर कभी बात करेंगे। ले ब्रेड खा। फिर कभी क्यों? इतने सालों बाद मिले हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। मेरा बंगला बाजू में ही है, चल चल। नहीं 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 अंजन नहीं। और दरवाजा खोल, बैठ जा ठंडे में, बैठ मेरी जान। शाम हो, बैठ। बस ये समझ ले कि तेरा ये दोस्त उस घर का गुलाम बनकर रह गया। खैर मेरी छोड़, तू अपनी सुना। तू यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही है अंदर? रसोई में कुछ काम नहीं है क्या? हैं? चुप। हेलो जी, कबाड़ में जी। स्वामीनाथ। क्या बोली भाभी? स्वामीनाथ। देखा, मैंने भी तेरी तरह पैसे वाली बीवी ढूंढी थी, लेकिन सुहाग रात के दिन ही मैंने बिल्ली मार ली। तब से मेरे उंगलियों के इशारों पर नाच रही है और पूरा चोर बाजार। चोर बाजार? चोर बाजार बोला? शेर बाजार, इस हर्षद टोपी के इशारे पर। हर्षद टोपी? तू समझेगा नहीं यार, मैं तुझे ऐसा तैयार करूंगा कि तेरी बीवी भी तेरे उंगलियों के इशारों पर नाचेगी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। अरे मैं शेर बाजार का दलाल हूं, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरा धंधा है। इधर और काम उल्टा करता। ये क्या बोल रहा है? अरे फट जाएगी। दुर्गा भाई, इलेक्शन से पहले ये वादे ये नारे कितने अच्छे और मीठे लगते हैं। इलेक्शन जीत जाने के बाद यही बातें और यही नारे कितने गंदे और कड़वे लगते हैं। सेवक राम, तुमने कश्ती बनकर कामयाबी के साहिल तक तो हमें पहुंचा दिया, मगर साहिल पर उतरना भी बाकी है। अरे दुर्गा भाई, साहिल पर उतरना क्या, अब तो आपका सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना ही बाकी है बस। हाँ, मगर उसके लिए हमें पूरे 50 अपक्ष एमएलए को पकड़ना पड़ेगा, जिससे हमें सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी मिल जाए। सेवक नाम है मेरा, सेवक राम। अरे दुर्गा भाई, वो 50 एमएलए तो चने कुरमरे की तरह मेरी जेब में पड़े हुए हैं। उन सब की दस्तखत वाली लिस्ट एमएलए सावंत के घर पे तैयार हो चुकी होगी। मैं बस यहाँ से गया और वो लिस्ट लेकर वापस आया। सच? बचपन से सिर्फ एक ही तमन्ना है कि सारे देश का धन मैं संभालूं। लेकिन शुरुआत तो इस स्टेट के धन संभालने से ही करनी पड़ेगी ना। मतलब? मतलब तो साफ ही है दुर्गा भाई। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पर मुझे ही बिठाना होगा। ये क्या है? सेवक राम, तुम्हारी सेवाओं का फल। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले ही खजाने की चाबी। खजाने की नहीं, नई एम्बेसडर कार की चाबी हमारी तरफ से तुम्हें प्रेजेंट। नायक तुम यही बैठो, मैं सावंत के घर से लिस्ट लेकर आता हूं। व्हाट? हाँ डॉक्टर शाह ने अभी अभी मुझे खुशखबरी सुनाई है। लेकिन ये खुशखबरी सारे घर को मैं सुनाऊंगा। कोई खुशखबरी हो तो हमें भी सुना दीजिए। मिस्टर साठे, सारे स्टाफ में मिठाई बांट दीजिए जी, मैं बाप बनने वाला हूँ। हेलो, ओ मिसेस खटाओ, अरे हम तो आप लोगों के सेवक हैं। अरे आप लोगों की दया से सब कुछ हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी, ओके। मुबारक हो माँ। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू वेरी मच। दुनिया वालों ने तो हमें बहुत मुबारकबाद दी है, लेकिन हमें कोई खुशी नहीं मिली है जो अपनों की जबान से सुनकर मिली है। क्योंकि दुनिया वालों की मुबारकबादी में तो उनका स्वार्थ छुपा है, लेकिन तुम्हारी मुबारकबादी में कोई स्वार्थ नहीं है।
इस इलेक्शन के जीत पर हम मुबारकबादी लेते लेते थक गए हैं। टेलीफोन्स पे टेलीफोन, मैसेजेस पे मैसेजेस, टेलीग्राम्स पे टेलीग्राम्स। लेकिन माँ, मैं तो तुम्हें दूसरी बहुत बड़ी खुशी की मुबारकबाद देने आया हूँ। दूसरी खुशी? ऐसी कौन सी खुशी है जिसकी मुबारकबादी हमारे चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी से बढ़कर है? तुम दादी बनने वाली हो माँ, और उषा उषा माँ बनने वाली है। इसमें कौन सी नई बात है, औरत तो पैदा ही होती है माँ बनने के लिए। और फिर दुनिया की हर आम औरत माँ और दादी तो बन सकती है, लेकिन दुनिया की हर औरत मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। जानते हो राजनीति में हमें क्या पदवी मिली है? चीफ मिनिस्टर की। हम चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। हेलो, ओ लाला जी, शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। अच्छा, मिस्टर डिसूजा वहां बैठे हुए हैं, हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई दीजिए। होता है क्या? जब नाइट का ही कोई ठिकाना नहीं तो फिर गुड नाइट कहने का क्या मतलब राधा जी? क्योंकि तकदीर में अपनी लिखा है बालकनी में सोना, अब तो यही है अपना जिंदगी भर का रोना। हेलो हेलो, शाम है? शाम? तुम कौन हो? मैं उसके कॉलेज की दोस्त हूँ, जानू। What? जानू? उसकी कॉलेज की दोस्त? लेकिन आज सजन मोहे अंग लगा ले, जन्म सफल हो जाए, मसाले वाला दूध लाया हूँ धर्म पत्नी जी। लगता है वो इसे रोज फोन करती होगी, फोन के नाम पे देखा कितना खुश है। लगता है इसकी नानी मर गई है, क्या मुंह लटक गया फोन पर लड़की की आवाज सुनकर। तुम्हारा फोन है? मेरा फोन? मुझको कौन फोन करेगा? हर्षद का होगा। ऐसा करो, तुम फोन रख दो, तुम डिस्टर्ब ना हो, मैं बाहर से फोन उठा लूंगा। गुड नाइट मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है। बाहर से फोन उठाने का मतलब है दाल में जरूर कुछ काला है। लगता है ये पागल कवि उसके पीछे पागल हो गया है, लेकिन मैं भी फोन नहीं रखूंगी। हेलो, कौन? हाय डार्लिंग, हाउ आर यू? पहचाना? मैं तुम्हारी जानू। जानू? मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है, सुनाओ। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ मैं तो फूल भी तेरे लिए। कैसी हो मेरी जानू? हाँ, तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ। तुम दिन में मिलते हो तो कितना मजा आता है, मगर एक कमबख्त रात नहीं कटती ना। मैं चाहती हूँ कि हम साथ रात भी गुजारें। उस दिन में कितना मजा आया था ना। डार्लिंग, रात में मिलो ना। मैं भी यही चाहता हूँ पारो, कि हम जिंदगी भर साथ रहें, मगर मेरी बीवी मेरा साथ छोड़े तब ना। बीवी साली कुत्ती कमीनी। कमीनी कुत्ती? अब रातें भी गुजारना चाहती है? छी, मत लो चुड़ैल का नाम। मैं तो कहती हूँ तुम उससे डिवोर्स ले लो। मेरे प्यार की हिचकी अभी तक चालू है। तुम ठीक कह रही हो, अब तलाक ही एक रास्ता है। वो मैं कल दोपहर को तुम्हारे पास आता हूँ, हम दोनों मिलकर वकील के पास जाएंगे और तलाक की बात करेंगे। पर जल्दी आना, दोपहर को जरा प्यार भी करेंगे, भूलना नहीं, जल्दी आना प्लीज। तेरे प्यार में सारा आलम को बैठे, तुम कहती हो कि ऐसे प्यार को भूल जाए, नहीं भूलूंगा, मैं आऊंगा। बाय बाय, आई लव यू डार्लिंग, आई स्वीट लव यू मामू। ये क्या मिस्टर साठे, इतने सारे बिल हर महीने आते हैं? हाँ सर, ये किरण साहब के हर महीने का खर्चा है। आखिर वो करता क्या? सर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन किरण साहब बहुत ही गलत रास्ते पर चल रहे हैं। वो चंदा नाम की एक नाचने वाली लड़की के पीछे बर्बाद हो रहे हैं।
अगर आपने चंदा के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की, एक बाजार नाचने वाली के लिए तुम अपने भाई को, आपके और मेरे रिश्ते से बढ़कर चंदा और मेरा रिश्ता है भैया। ये नाचने वाली होगी तो दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अगर किसी ने इसके खिलाफ एक भी गलत लफ्ज निकाला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या बोला? मां, तुम अगर इसी तरह खामोश रही तो देखना एक दिन किरण तुम्हारे नाम पर धब्बा लगाकर रहेगा। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। तुम जाने और किरण जाने। मैं जानती हूं रवि की हर बात सच है, लेकिन किरण बेटे, आखिर हर चीज की कोई हद होती है। तुम कुछ नहीं जानती मां, कुछ नहीं। ये सब उस टाइपिस्ट की चाल है जो भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही है। उषा को इस घर की बहू बनाकर इलेक्शन जीतने की तुम्हारी चाल तो कामयाब हो गई, लेकिन तुम नहीं जानती मां कि उषा दिखती कुछ और है, लेकिन है कुछ और। क्या मतलब? मतलब ये मां कि भैया की शादी से पहले उषा और मेरी दोस्ती काफी अच्छी थी, यहां तक कि हम दोनों के बीच अब मैं कैसे कहूं मां, बोलते हुए भी शर्म आती है। लेकिन तुम ही बताओ, ऐसी औरत के होते हुए मैं इस घर में चैन से कैसे रह सकता हूं? ओह, तो ये बात है। हाँ। तो फिकर मत करना, मैं किसी भी कीमत पर तुझे नहीं खो सकती। माँ, अगर उषा को मैं अपनी चाल का मोहरा बनाकर इस घर की बहू बना सकती हूँ तो उसे इस घर से निकाल भी सकती हूँ। क्या? देखो बेटे, लंदन की एक कंपनी के साथ हमने बहुत बड़ा प्लान बनाया है, उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। मगर माँ, उषा को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर मैं लंदन कैसे जा सकता हूँ? गैरों की तरह बातें मत करो रवि। सास के लिए बहू तो बेटी समान होती है, और उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपनी बहू की चिंता लगी रहती है। बेटे देखो उषा, तुम्हारे ये आंसू कहीं मेरे पाँव में जंजीर न डाल दे। मैं कहा तुम्हें रोक रही हूँ, लेकिन मेरा मुझे डर सा लग रहा है रवि। अरे इसमें डरने की क्या बात है? जितनी फिक्र मुझे तुम्हारी है उससे कहीं ज्यादा मां को है। वो तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखेगी, और फिर कुछ दिनों की तो बात है, काम खत्म होते ही मैं जल्दी लौटाऊंगा। हेलो। हाय जान। हाय, हाउ आर यू? फाइन। करवटे बदलते रहे सारी रात हम बड़े आपकी कसम बड़े आप। बस यूं समझ लो कि जान के बगैर शरीर खाली पड़ा हुआ है अनारकली। अच्छा सुनो, वो चुड़ैल अभी तक जाग रही है या सो रही है? तेरी माँ की? मेरी माँ की क्या? मेरी माँ की? अरे सुबह से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, कोई मीठी मीठी बात करो ना डार्लिंग, बहुत थका हुआ हूँ। ओ तो आ जाओ ना, मैं तुमसे मीठी मीठी बातें भी करूंगी और तुम्हारे बदन की मालिश भी करूंगी। याद है ना उस दिन कितना जबरदस्त मालिश की थी मैंने? मालिश? गरम गरम पानी में तेल। मगर तुम ना, छी बाबा, कुछ ज्यादा ही तंग करते हो। यही तो फर्क है तुझ में और उस साली में, एक बर्फ का गोला और दूसरा आग का गोला। आज बताती हूँ मैं तुम्हें कि मैं बर्फ का गोला हूँ या आग बबूला। हेलो हेलो श्याम डार्लिंग। हाँ डार्लिंग, कट गया था सॉरी। श्याम? हाँ सुन रहा हूँ डार्लिंग। श्याम? हाँ श्याम। क्या हो रहा है? रॉन्ग नंबर। ये सब क्या है? मैंने सोचा तुम थके हुए हो ना, इसलिए अपने हाथों से कान उतारूंगी। चलो कपड़े उतारो। मेरे कपड़े नहीं, अपने कपड़े उतारो। ओ, 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 भाभी, लंदन से भैया का फोन आया है। हेलो 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 हेलो
क्या बदतमीजी है? दरवाजा खोलो, जाने दो मुझे। जाने तो मैं तुझे जरूर दूंगा, लेकिन तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाने के बाद। ये क्या कह रहे हो तुम? खेल खेल रहा हूं, और आज के इस खेल की हीरोइन तुम और हीरो मैं। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो भाभी? अरे मैं क्या कर रही हूँ भाभी? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो! भैया ने क्या मुझे दिखाऊंगा? मत करो भाभी, ऐसा ना करो, ना करो भाभी, ना करो। अरे भाभी मत करो भाभी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो भाभी? भाभी तो मां समान होती है, मां समान होती है भाभी। अरे कोई आए, कोई आए, देखो तो सही, ये क्या हो रहा है? किरण बाबू, हाय ना, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये, हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आई? मुझे तेरी कसम माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भाभी को वो समझाया, लेकिन कहने लगी मुझे नींद ही नहीं आती है। नहीं नहीं, ये झूठ कह रहे माँ जी, ये मुझे आप सबके सामने बेइज्जत करना चाहता है। मैं अपने स्वा की कसम खाकर कहती हूँ, मैं वही कसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ माँ जी, मैं निर्दोष हूँ। नीच बेशर्म, आखिर बता देना अपनी असलियत। जब मेरे राम जैसे बेटे को पता चलेगा कि जिससे वो सीता समझता था वो एक बदचलन औरत है, तो शर्म के मारे वो अपनी जान दे देगा। तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, निकल जा मेरी नजरों के सामने से। नहीं मां जी नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। मुझे बचा लो मौसा जी, मुझे बचा लो, मैंने कोई पाप नहीं किया। पता नहीं लोग मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं, मुझे बचा लो। दुर्गा जी मैं कहता हूँ रवि को तो आने दो। तुम चुप रहो, अब क्या कसर बाकी रह गया है जो मैं रवि को आने दूँ? निकल यहाँ से। माँ जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह बाकी नहीं है, निकल यहाँ से। खबरदार जो तुम्हारे यहाँ कदम रखा तो निकल यहाँ से। माँ जी, माँ जी, मेरी बात तो सुनिए माँ जी, माँ जी मेरी बात तो सुनिए। ये तो मर गई। हाँ हाँ मर गई, अब दूसरा काम भी तो करना है, चल। अरे लक्ष्मी का आगे जल्दी आगे जल्दी। चलो आज उषा का पूरा खानदान ही जलकर खत्म हो गया। माँ, उषा, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? रवि बेटे। माँ कैसी हो? माँ उषा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है माँ,
तुम खामोश क्यों? रवि बेटे, हमारा खामोश रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि उषा के बारे में कुछ कहेंगे तो तुम सुन नहीं सकोगे। ऐसी कौन सी बात है मां जो मैं सुन नहीं सकूंगा? देखो बेटे, कोई भी इज्जतदार मां अपने बेटे के सामने अपनी बहू की इज्जत को उछाल नहीं सकती। मां, ये तुम क्या कह रही हो? हां, सच बहुत कड़वा होता है बेटे। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं आता तो श्याम सुंदर से पूछ लो। मैं उषा के बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं मान सकता। मेरी उषा ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकती। इस तरह उस हादसे में सब के सब जलकर खत्म हो गए। सिर्फ ये खंडर रह गया है, पता नहीं आग कैसे लगी। डॉक्टर साहब, दवाइयां लाया हूं। हमिद भाई, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम इसके लिए सब कुछ कर रहे हो। डॉक्टर साहब, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। मैं जो कुछ कर रहा हूं खुदा की मर्जी से कर रहा हूं, वरना आदमी अपनी मर्जी से किसी को एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, 3 महीने हो गए इसे होश क्यों नहीं आ रहा? डर तो हम भी रहे हैं, क्योंकि इसके पेट में एक जिंदगी पल रही है। मां और बच्चा दोनों खतरे में हैं। क्या इन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं? तरीका एक ही है, सर्जरी। ऐसी हालत में ऑपरेशन से बच्चे की डिलीवरी हो सकती है, लेकिन मां बच पाएगी कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए मगर दोनों को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर का काम सिर्फ कोशिश करना है, बचाना तो मालिक के हाथ में है। मालिक मेरी जरूर सुनेगा डॉक्टर साहब, मालिक मेरी जरूर सुनेगा। अल्लाह का करम है बहन, वरना डॉक्टर ने तो मुझे नाउम्मीद कर दिया था। अब मैं तुमसे तुम्हारी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं। हमीद भाई, आपने मुझे बहन कहा है और अपनी जान पर खेलकर मुझे और मेरी बच्ची को एक नई जिंदगी दी है। कसम है आपको उस पवित्र रिश्ते की,
अगर आपने मुझे मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी पूछा तो। मगर जुल्म सहना भी पाप है बहन। तुम मुझे उनका नाम और पता बताओ, तुम पर जुल्म ढाने वालों को बर्बाद कर दूंगा मैं। मैं उस घर की और अपने पति की बर्बादी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए वहां से लौट आई। अब मैं उन लोगों के लिए मर चुकी हूं। शायद मेरी ये मौत ही उस घर के लिए नई जिंदगी हो। मां, क्या हुआ मां, क्या सोच रही हो? अरे सोच में नहीं डूबेंगी तो बेचारी क्या करेंगी। एक तो इनके सर पर पहले से एक के बाद दूसरी बिजली गिर रही है, और उस पर से तुम एक नई बिजली गिराने चले आए। भासा! इन पर गर्म होने की कोई जरूरत नहीं किरण। जो कुछ भी ये कह रहे हैं बिल्कुल सच है। इस खानदान, इस घर और अपनी माँ की इज्जत की परवाह किए बगैर तुम इस कीचड़ को इस घर की कालीन पर बिछाना चाहते हो। भैया ये मत भूलिए कि इस घर की दीवारों पर आपकी पत्नी की भी कहानियां लिखी हुई है, और आपकी पत्नी से चंदा लाख दर्जे बेहतर है। किरण चिल्ला मत भैया, ये बदनामी के साए में पली जरूर है, लेकिन बदनाम नहीं हुई। इसने अपने अदाओं को बेचा है, जिसम नहीं बेचा इसने। सुन रही हो मां, है आज तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब? तुम बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों हो मां? रामचंद्र कह गए सिया से, एक दिन ऐसा आएगा, हंस चुनेगा दाना दुनगा, कौवा मोती खाएगा। ये छोटा कौवा कौन है? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक मौसा, बंद करो अपनी कविता। हराम की रोटियां खाते खाते तुम्हें चर्बी चढ़ गई है, अपने औकात में लेके बात क्या करो समझे? जिसे तुम कौवा कह रहे हो ना, वो चंदा का भाई है, मेरा साला है, तुम्हारी तरह इस घर की दहलीज में बंधा हुआ कुत्ता नहीं। कुत्ता? तुमने मुझे कुत्ता कहा? हाँ हाँ कहा, और 100 बार कहूंगा। तुम में और कुत्ते में फर्क ही क्या है? वो भी टुकड़े खाकर अपनी दुम हिलाता है और तुम्हारी तरह भौंकता रहता है। वाह किरण साहब वाह, आज आपने बड़ी मेहरबानी की, मुझे समझा दिया कि इस घर में मेरी औकात क्या है। मैं तो वाकई कुत्ता हूं, अरे मैं तो कुत्ते से भी गया बीता हूं, जो मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि आप लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है। मैं भोला भाला सीधा साधा हंसता रहा, हंसाता रहा, आप लोगों को कविताएं सुनाता रहा, और मुझे मालूम ही नहीं कि आप सब लोगों मुझे कुत्ता समझ रहे हैं। लेकिन आज ये पालतू कुत्ता इस घर में रहने की बजाय गली का कुत्ता बनना ज्यादा बेहतर समझेगा। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगा। राधा, अगर तुमको मेरी धर्म पत्नी बनकर जीना है तो इस घर को अभी इसी वक्त छोड़ना पड़ेगा। तेरे को ऐसे समझाऊं? घूम जाओगे, बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं स्वामी, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं, आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। बहुत अच्छे, देखा भाभी, ये है बीवी का असली रूप। आज मैं बेहद खुश हूं, मैं अपने दोस्त की खुशियां वापस लाने में कामयाब रहा। आप कामयाब रहे? कुछ समझी नहीं। अरे राधा, यही है मेरा कॉलेज का दोस्त, वो फोन वाला जानू। जानू जानू जानू? मैं जानू बोल रही हूँ, तुम्हारे कॉलेज की दोस्त जॉन। तो वो आप थे? हाँ, यही है वो जानू जो आवाज बदल कर आपको फोन करते रहे हैं। वैसे भी इनकी आवाज शहर बाजार में चिल्लाते चिल्लाते इतनी बदल चुकी है कि कभी कभी तो मैं भी नहीं पहचान पाती। अरे भाई, जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तुम मेरे साथ चोर बाजार चलना। चोर बाजार? चोर बाजार बोला? हाँ, शेर बाजार। शेर बाजार। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लोगों को टोपी किस तरह पहनाते हैं, और फिर देखना जिंदगी की गाड़ी का पहिया कैसे घूमता है। घुमाता पहिया। तो ये मशीन का पहिया रोक दो, अब तो मोहल्ले वालों के कपड़े सीना बंद कर दो। पहले तो तुम घर चलाती थी, मगर अब क्यों? मैं ये फ्रॉक मोहल्ले वालों के लिए नहीं सी रही हूं भाई साहब, अपनी लाडली बेटी
मधु के लिए सी रही हूँ। इस मशीन के पहिए के साथ साथ जिंदगी का पहिया ऐसे घुमा, वक्त कब गुजर गया पता भी नहीं चला। बहन, अगर तुम ना होती ना जाने मेरा क्या होता, शायद किसी सड़क पर भीख मांग रहा होता। आप ऐसा क्यों कहते हैं भाई साहब? जब से मैं अपाहिज हो गया तब से तुम्हें तो मुझे संभाला है। भाई साहब, आपके साथ जो अनहोनी हुई है उसका कारण मैं ही तो हूँ। आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है, आपने एक साथ दो दो जाने बचाई हैं, एक मेरी और एक मेरी बेटी की। बचाना और मारना तो अल्लाह के हाथ में है मेरी बहन, मैं कौन होता हूँ बचाने वाला। अरे, हमारी बेटियां नजर नहीं आ रही, कहाँ गई है? पता नहीं, जब पूछो कहती है कि क्लास में जा रही हूँ। पता नहीं दिन रात कौन से क्लास में जाती है। संसारी रे, हंसी में उठियो के अभी अभी तो तूने खाना खाया फिर चल दी। अब कौन सी क्लास में जा रही है तू? नाइट क्लास में माँ। नाइट क्लास? हाँ, अगर नाइट क्लास नहीं जाऊंगा तो कॉलेज में फेल हो जाऊंगा। कॉलेज में फेल हो जाऊंगा तो अपन को नौकरी कौन देगा? नौकरी नहीं मिली तो अपना रोटी पानी का चक्कर कैसे चलेगा? ये अपन तपुन आऊंगा जाऊंगा क्या लगा रखा है? ये कैसी जबान में बात कर रही है तू? अरे माँ, आजकल शहर की हवा बहुत खराब हो गई है। छोकरी बनकर बात करो तो छोकरा लोग आंग पर आते हैं। अरे अपुन तपुन आयला गयला खलास कर डालेगा बाप, बस इतना बोलो तो छोकरा लोग भी छोकरी बन जाता है। इसलिए ये भाषा एकदम करेक्ट है माँ, हर टपोरी समझता है और दो फुट दूर रहता है। मगर ये बातें तेरे समझ में नहीं आएगी माँ, अपुन चलता है। मधु, अपनी माँ से छुप छुप कर कब तक नाइट क्लास के नाम पर रिक्शा चलाती रहोगी तुम? हाँ, जब तक मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेती। मगर हमीद भाई, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने माँ को ये बात बताई तो। नहीं बताऊंगा, लेकिन सुन, जब तक तू घर नहीं लौटती ना, दिल में एक डर सा लगा रहता है। डर किस बात का? अभी तो अपन कराटे चैंपियन बन गया है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि अपन के सामने आग भी उठा कर देखे। और ये ड्रेस पहनने के बाद अपन मधु नहीं, मलिया शेट्टी है, मलिया शेट्टी। अरे ये क्या? बंबई में सिर्फ तीन पूरी चलता है, भेलपुरी, पानीपुरी और ये रामपुरी। अरे क्या बात है आंटी, अपुन तो आज हॉर्न बजा बजा के थक गया, मगर रीटा के जगह तुम बाहर आया। बेटा, रीटा की तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत तेज बुखार है। अरे आंटी, अपुन बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है? बेटी को रात रात भर क्लब में नचवाओगी तो बुखार नहीं आएगा तो और क्या आएगा? हाँ,
दुनिया की कोई माँ अपनी बेटी को दूसरों के सामने नचवाना नहीं चाहती बेटा, ये हमारी मजबूरी है। रीटा के डैडी के एक्सीडेंट में मौत के बाद यही सारे घर को संभाले है, दो छोटे भाई बहन भी है। तुम्हारी बात अपन के खोपड़ी में एकदम उतर गई आंटी, औरत की बात औरत ही समझ सकती है, और अपन मर्द नहीं, औरत है आंटी औरत। मतलब तुम लड़की हो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा आंटी, जिस घर में मर्द नहीं होता है उस घर की औरत की हालत बहुत खराब होती है। अब उनकी भी कहानी तुम्हारी जैसी है, लेकिन यू डोंट वरी, रीटा रेस्ट भी करेगी और उसकी नौकरी भी नहीं जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि रीटा की जगह अपुन नाचेगा और साथ में सारे क्लब को भी नचवाएगा। We'll be right back.
कितना हुआ? 12। चल बे चुपने, माल निकाल जितना कमाया हुआ, वरना तेरे 12 बजा दूंगा, समझे? चल बाहर निकल, चल चले, चल बाहर निकल, चल चल, तब अपना ही आदमी है। चाकू तो अपुन भी रखता है, मगर अपनी हिफाजत के लिए। भागो यहां से, चल। ऑरेंजेस, दिस लाइन गो। This line goes to the ho- This line goes to the Sir. टमाटर बेचने वाला पकड़ा गया। कौन? मधु, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। पैसे वाले बाप की बिगड़ी ही औलाद हो तुम। क्या यही सब करने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यहाँ भेजा है? जाने दो मधु, ये बहुत खतरनाक लड़का है। ऐसे कई खतरनाक लड़कों को मैंने ठीक किया है सर, ये किस खेत की मूली है? Thank you.
राजू भाग के जा, डॉक्टर को बुला। ओ भाई लोग, आप लोग अपने अपने घर जाइए, खतरे की कोई बात नहीं है। क्या हुआ अब्दुल? हमी चाचा बेहोश हो गए। क्या क्या हुआ माँ? पता नहीं बेटी, चौराहे पर आते आते हमीद भाई गिर पड़े और बेहोश हो गए। हमीद भाई, माँ इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हार्ट अटैक, हमीद भाई को सीरियस हार्ट अटैक हुआ है और उनका इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा है। क्या? देखिए वक्त बहुत कम है, आप लोग पैसों का इंतजाम कीजिए। कितने पैसे चाहिए डॉक्टर साहब? कम से कम 50,000 रुपए तो लगेंगे ही। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं कुछ भी करके पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है, आखिर तुम रिक्शा क्यों बेचना चाहती हो? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए रिक्शा बेचना चाहती हूँ। पैसों के लिए रिक्शा बेचने की कोई जरूरत नहीं, मेरी थोड़ी सी जरूरत को तुम पूरी कर दो और तुम्हारी जरूरत को मैं पूरा कर दूंगा। तुम्हारी जरूरत? टेढ़ी मेढ़ी बात तो अपन को बिल्कुल आती नहीं, सीधी सी बात है। आज की रात को तुम मेरे लिए रंगीन बना दो, माल तुम्हें मिल जाएगा।
इस सेवक राम नाम के सेवक के हाथों आपको सारी जनता का नमस्कार। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी। भाइयों और बहनों, जिंदाबाद हम नहीं, जिंदाबाद रखना है हमें हमारी जनता को, इस देश में जीने वाले सच्चे कानून को, सुहागनों के सुहाग को, माँ के बच्चों को, बहनों की इज्जत को, जिंदा रखना है हमें जनता की खुशियों को। हमें सिर्फ कहना ही नहीं है बल्कि करके दिखाना है। अगर हम ये कहें कि आप लोग हमें वोट दीजिए और बदले में हम आपके नलों में पानी की जगह दूध बहा देंगे, तो वो नेता झूठा है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि नलों में सिर्फ पानी ही बह सकता है। अगर हम ये कहें कि हम आप लोगों की गरीबी दूर कर देंगे, तो ये सरासर गलत है, क्योंकि इस देश की गरीबी उसी वक्त मिट सकती है जब इस देश का हर अमीर अपने घर में गरीब की बेटी को ब्याह कर लाएगा, अपनी बहू और बेटी की जगह देगा। ये गरीबी तभी मिट सकती है। गरीबी मिटाने के लिए हर अमीर को आगे बढ़कर गरीबों को गले से लगाना होगा। दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, दुर्गा देवी नहीं, जनता जिंदाबाद, जनता जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, दुर्गा देवी, 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 दुर्गा देवी। वाह दुर्गा देवी वाह, क्या जबरदस्त तकरीर की है आपने। आपने तो अपने शब्दों से यूं समझिए कि सारी वोटें अपने डब्बे में डलवा ली हैं। बसा सेवक राम, जनता भोली भाली होती है, गरीबों के दिलों से खेलना बहुत आसान होता है। मीठे मीठे चंद शब्दों के कुछ कतरे शहद की तरह टपका दो, गरीब तुम्हें जिंदगी भर सलाम करेंगे। आज जिस तरह ये कांच की दीवार नेता और जनता के दरमियान है, कल इसी तरह जब हम विधानसभा में होंगे वहाँ ईंटों की दीवार होगी। आज भी ये क्या कह रहे सुनाई नहीं दे रहा, कल भी सुनाई नहीं देगा। यही राजनीति है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स। आहा, वाह दीदी वाह, तू भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लोगों के सामने क्या क्या फेंकते हैं। पता नहीं अभी होगा या नहीं। हो गया, बिल्कुल हो गया। क्या हो गया? अरे धर्म पत्नी, तुम्हारे स्नान के लिए बाथरूम में पानी गर्म हो गया। श्याम सुंदर? अरे अब काहे का श्याम सुंदर, श्याम सुंदर की सुंदरता की तो उसी दिन दशा हो गई थी जिस मनहूस घड़ी में वो इस घर में दामाद बनकर आया था। अब तो नहीं रह गया कोई मेरा मकाम, सुबह से शाम तक है मुझको घर का काम, और इसी तरह हो जाएगी मेरी जिंदगी तमाम। सुबह सुबह ये सड़ी हुई कविताएं सुना के मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं मरना नहीं मुझे है जी। अरे बंद करो अपनी ये घटिया कविता और ध्यान से सुनो, मेरे कपड़े इस्त्री कर दिए ना। नीचे मिस्टर साठे, बिजनेस में वही लोग ऊंचाई पर हो।